टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। समोसा अगर आप बड़े प्यार से खाते हैं तो जरा आप उसकी वीडियो भी देख लीजिए कि समोसा किस तरह से बनाया जा रहा है। पसीने वाली जांघ पर समोसा बनाने के लिए जो आटा इस्तेमाल हो रहा है वो रखकर समोसा बनाने का वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो कल्याण का बताया जा रहा है और एक जिम्मेदार नागरिक भूषण पवार ने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप समोसा खाने के शौकीन हैं तो यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप समोसा खाने के लिए 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि समोसा बनाने का जो आटा इस्तेमाल हो रहा है उस आटे को ये व्यक्ति अपने जांघ पर रखा हुआ है, जहां से उठाकर उसमें आलू मसाला भरता है और फिर तेल में डाल देता है। अब जरा सोचिए कि कितनी गंदगी से ये समोसा बनाया जा रहा है और यही समोसा खाने के लिए लोगों को दिया जाता है। भूषण पवार ने कार्रवाई की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है सुनिए। काल आमची मराठी एकीकरण समितीची बैठक काटेमोनली कल्याण पूर्व येथे पार पडली। त्या बैठकीनंतर जे काही आमचे शिलेदार होते त्यांना अल्पोपहार म्हणून आम्ही समोसाचे नियोजन केलेले। ती समोसाची ऑर्डर मी काटेमोनली कल्याण पूर्व येथे असणाऱ्या शंकर स्नॅक्स यांना ऑर्डर दिलेली। पण ऑर्डर देताना मला तिथं असा एक प्रकार किळसवाना प्रकार दिसून आला की त्या संबंधित दुकानामध्ये 3 कर्मचारी होते, त्याच्यामध्ये 1 त्यांचा मालक आणि 2 कर्मचारी होते। त्याच्यामधले जे 2 कर्मचारी होते ते समोसाला लागणारी पुरी ही लाटून दुसऱ्या कर्मचाऱ्याच्या ज्या घामाने गलिच्छ झालेले पाय याच्यावरती पायावरती पुरी ठेवत होती। हे सगळा किळसवाळा प्रकार बघून तुम्ही सर्वप्रथम तर जे आम्ही समोशाची ऑर्डर दिली ती तिथं आम्ही कॅन्सल करून टाकली। त्याच्यानंतर मी हा प्रकार रोखण्यासाठी थांबवण्यासाठी याचं चित्रकरण केलं। चित्रकरण करण्यामागचं एकच कारण होतं की याच्यामागे कुठेतरी मानवी आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार होता। तर माझी या व्हिडिओद्वारे एकच प्रशासनाला विनंती असणार आहे की अशी जी कोणी गलिच्छ प्रकार करून मानवी आरोग्याशी तुम्ही जे खेळता त्यांच्यावरती लवकरात लवकर कठोर कारवाई करावी।